पोषण स्थिति। सभी लोगों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने खाद्य की उपलब्धता, उसके पहुंच व लोगों की क्रय शक्ति पर चर्चा की। विभिन्न योजनाओं से हमने यह भी जाना कि गरीब वर्ग को ये योजनाएं कैसे मदद पहुंचा रही हैं, वास्तव में क्या लोगों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है। इसे जानने का सबसे आसान तरीका है कि उनकी पोषण स्थिति का चिकित्सकीय या कुछ वैज्ञानिक पद्धति से जांच करना। वैज्ञानिक पद्धति व्यक्तियों के उम्र एवं लंबाई तथा वजन के अनुसार होती है। वैज्ञानिक पद्धति में सबसे प्रमुख है BMI, बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचक। BMI आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रमाणित हैं। हम सामान्यतः कुपोषित व्यक्तियों को देखकर ही पहचान सकते हैं, जैसे अत्यंत कमजोर, बहुत कम वजन एवं अत्यधिक मोटापा। परंतु कुछ कुपोषितों को साधारण रूप से देखकर हम पहचान नहीं सकते। ऐसे लोग हमारे देश में 30-40% हैं। कुपोषित लोगों की इतनी बड़ी आबादी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत चिंता का विषय है। जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए WHO द्वारा निर्धारित सारणी के बारे में हमने ICDS खंड में पढ़ा है। 5 से 19 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के कुपोषण दर को जानने के लिए BMI का सहारा लेते हैं। इससे हम लंबाई व उम्र के अनुसार वजन का पता लगाकर BMI ज्ञात करते हैं। हमने कुछ ग्रामीण स्कूलों के बच्चों का BMI ज्ञात किया। BMI का विश्लेषण करने पर हमने पाया कि कुछ बच्चों का शारीरिक व पोषण स्तर ठीक नहीं है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हमने बच्चों से उनके खान पान व पोषक आहार पर विस्तृत चर्चा की। आइए उदाहरण के माध्यम से एक बच्चे का BMI ज्ञात करने का प्रयास करें। नाम रानी, महिला, आयु 15 वर्ष 6 माह, लंबाई 1 मीटर 34 सेंटीमीटर, वजन 26 किलोग्राम। BMI बराबर शरीर का वजन किलोग्राम में बटे लंबाई गुणित लंबाई मीटर में। रानी का BMI 26/1.34 × 1.34 बराबर 26/1.79 = 14.52। अब हम रानी के BMI का WHO द्वारा प्रमाणित सारणी में अवलोकन करते हैं, जो कि पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर है। यह सारणी 5 से 19 वर्ष तक के बच्चों, लड़का एवं लड़की के लिए अलग अलग के लिए उपलब्ध है। BMI विश्लेषण सारणी के अनुसार रानी का BMI कुपोषित संकेतक के खंड में है। यह स्थिति रानी को कुपोषित यानी कमजोर होने का संकेत है। ऐसी अवस्था में रानी को अतिरिक्त पोषक आहार की आवश्यकता है। सामान्यतः 19 वर्ष के पश्चात व्यक्तियों की लंबाई का बढ़ना लगभग स्थिर हो जाता है, इसलिए 19 वर्ष से अधिक अर्थात वयस्को के लिए एक अलग पैमाना बनाया गया है। वयस्को का BMI ज्ञात कर निम्नांकित सारणी से पोषण स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। तालिका क्रमांक 20.4 वयस्कों का BMI विश्लेषण तालिका। NIN के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 35% वयस्कों का BMI 18.5 से कम है, जबकि 10-13% वयस्कों का BMI 25 से ज़्यादा है। हमारे देश में जो बच्चे कुपोषित दिखाई देते हैं, उनके संभावित कारणों में से एक है कि उनकी माताओं को उचित पोषण आहार न मिल पाना। महिलाओं की शारीरिक स्थिति का बच्चों के पोषण से सीधा संबंध रहता है। आज भी कई महिलाओं को पौष्टिक भोजन और अन्य जरूरी चीज़ें खासकर गर्भावस्था के दौरान प्राप्त नहीं हो पाती। इससे गर्भ में बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पाता, बच्चा कम वजन का पैदा होता है और वह जन्म से ही कुपोषण का शिकार हो जाता है। ये बच्चे अपनी बढ़ती आयु में भी कुपोषण से प्रभावित रहते हैं, जो इनके व्यस्क होने पर भी बना रहता है। ऐसी स्थिति में इनके स्वयं माता पिता बनने पर इनकी आगे की पीढ़ी पुनः कुपोषण से प्रभावित हो सकती है और यह क्रम निरंतर जारी भी रह सकता है।
हमें इस क्रम को तोड़कर इन लोगों को कुपोषण से बचाना होगा, तभी खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य पूरा होगा।